चलिए आज हम लोग एक ये प्रेस मतलब आयरन इसको हम बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से ये हीटिंग करता है। इसके जो हीटिंग एलिमेंट है इसको हम चेंज भी करेंगे, इसको बदलेंगे और ये गर्म नहीं हो रहा है कुल मिलाकर के। तो इसको हम सारे पार्टों को भी यहाँ पे क्लियर समझ लेंगे। जब हम हीटिंग एलिमेंट चेंज करेंगे तो इसके अंदर और बचता ही क्या है, तो इसके हम पूरा जीरो से लेकर के इसका कौन कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट है वो सब भी समझेंगे और कैसे इसको ओपन करना है। देखिए ये भारी वाला प्रेस है मतलब जो वजन होता है उसके साथ ये 750 यानी 750 वाट का ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है और इसको हम यहाँ से चालू खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम पावर में लगा करके दिखाएं तो देखिए ये पावर में लगा करके मतलब कुल मिला के ये गर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये गर्म नहीं हो रहा है, इसमें कोई लाइट भी नहीं जल रही, पता नहीं इसके अंदर इंडिकेटर है भी कि नहीं है। बाकी हम इसको खोल करके देखते हैं तब हमें पता चलेगा। यहाँ से देखिए खोलने के लिए सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे एक स्क्रूप हमें मिलेगा और देखते हैं ये वाला इसमें स्क्रू ड्राइवर हमारा काम कर पाता है कि नहीं, कर गया लग रहा है। तो इसके द्वारा हम इसको खोल लेते हैं। देखिए इस प्रकार से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करें, इसको खोल लिया इस प्रकार से और ये इसके इंडिकेटर के ऊपर देखिए ये रेड कलर की प्लास्टिक थी निकल चुकी है। ये हमारा यहाँ पे स्क्रू है, इसका नट है, ये यहाँ पे हो गया, इसका ये पीछे से कवर निकल गया। अभी देखिए इसके अंदर क्या लगा है यार, ये देखिए इंडिकेटर तो लगा है लेकिन इंडिकेटर का एक सप्लाई भी छूटा हुआ है, ये वायर भी छूटा हुआ है देखिए। और इसमें हमें कुल मिला करके इसके हमें हीटिंग एलिमेंट को चेंज करना है तो हम फाइनली इसको निकाल ही देते हैं और निकालने के बाद हम इसको आपको दिखाते हैं। पहले देखिए हमें तीनों तार को खोल लेना होगा इसको, तभी ये लीड बाहर निकलेगी, जब लीड बाहर निकलेगी तभी ये बाहर निकलेगा। तो एक स्क्रूप यहाँ था, दो स्क्रूप इसके अंदर भी होते हैं यहाँ पर, देखिए इसको भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं तब जाकर के ये ऊपर वाला पॉइंट निकल जाएगा आसानी से बाहर। तो यहाँ पर हम इसको भी खोल लेते हैं और इधर भी लगा हुआ है दोनों साइड में, इस दोनों को खोल लेते हैं। देखिए ये जो नट है देखिए थोड़ा सा बड़ी बड़ी साइज़ का है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ये थोड़ी दूर जा करके टाइट हुआ होगा, यही है नॉर्मल पता चल रहा है ना कि अगर बड़ा नट है तो नीचे ज़्यादा नीचे जा करके टाइट हो रहा होगा। तो इसको भी हम यहाँ पे खोल लेते हैं, ढीला कर लेते हैं। और ये जो देखिए ये ऑटोमेटिक था, मतलब यहाँ से स्विच को ऑन ऑफ कर सकते, मतलब हम इसको सेलेक्ट कर सकते थे ज़्यादा या कम पे। और यहाँ से देखिए अब ये इसका पॉइंट है, इसको हम यहाँ से ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, ये यहाँ से निकल चुका है इसका ये सब देखिए। अब हम आपको यहाँ पे नज़दीक से दिखाते हैं, देखिए इसको बारीकी से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, इसमें तार जोड़ने के लिए तीन पॉइंट है। एक पॉइंट में इन होगा मतलब एक पॉइंट में न्यूट्रल और एक पॉइंट में फेस होगा, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन तीसरा किस लिए होगा, ये बॉडी अर्थ का नहीं, ये भी नहीं कि नहीं बॉडी अर्थ का होगा। एक में न्यूट्रल देना एक में फेस देना ये सही है, लेकिन जानते हैं इसमें क्या है, देखिए अब यहां वाले में क्या देना, आपको न्यूट्रल या फेस देना एक में, और एक देना है आपको इस साइड में। और जो इसका एलिमेंट होता है हम आपको दिखाएं, एलिमेंट में देखिए दो पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए, एक यहाँ एक यहाँ। अगर इसको हम बाहर रख करके न्यूट्रल फेस दे दें तो भी ये गर्म होता है हमारा, लेकिन यहाँ पर देने के बाद ये गर्म होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे एक सप्लाई दिया जाएगा एक यहाँ पे। अब देखिए इधर वाले का सप्लाई देखिए, आप यहाँ से देखिए ये पत्ती गई कहाँ है, ये वाली जो पत्ती है देखिए यहाँ से गई है, यहीं से नीचे चली गई है, मतलब इसके एक पॉइंट में ये चली गई है, देख रहे हैं ना, यहीं से एक पॉइंट में इसके ये चली गई है। और जो दूसरा वाला है, ये जो दूसरा वाला है देखिए ये कहां गया, यहां से निकला है, यहां से गया है, यहां से देखिए इस पत्ती नीचे वाले में है और नीचे वाले से हो करके ये कागज बीच में इंसुलेटर लगा है, वहां से देखिए हो करके ये नीचे वाले में यहां नीचे जा रही है। और नीचे जा करके देखिए जब ये घूमता है तो क्या होता है, देखिए जब ये घुमाया जाता है यानी कि जब इसको कम या तेज आगे से किया जाता है तो कैसे काम करता है, यहाँ पे नज़दीक से दिखाई, यहाँ पे दिखाई थोड़ा सा और नज़दीक से, देखिए ये जो पत्ती है जैसे देखिए ऐसे घुमाने पे क्या हो रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं देखिए ये पत्ती और नीचे दबती जा रही है, और जितना हम इसको ऐसे कर रहे हैं देखिए ये ऊपर उठ जा रही है, और ये वाली पत्ती जानते हैं ये थोड़ी सी ऐसे नीचे रहेगा, मतलब एक पत्ती दूसरे में ये जा करके ऐसे टच हो जाती है। देखिए हाइजन नट देख रहे हैं, ये बाहर निकला हुआ है, ये इसमें टाइट रहता है, ये बाहर निकल गया, इसको हम अभी लगा करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा निकालते हैं इसको फिट करते हैं तब आपको दिखाते हैं। यहीं से एक पॉइंट से तब दूसरे पॉइंट में जाता है, उसके बाद होकर के सप्लाई जाती है, यानी हम बीच में भी इनपुट कर सकते हैं, दूसरे वाले से जाने के बाद ये हीटिंग एलिमेंट में सप्लाई पहुंचेगी। तो इसको खोलने के लिए देखिए हम यहां पे थोड़ा सा प्लायर का यूज करते हैं, ये हमारे पास प्लायर, और इसके लिए इसमें तीन नट लगे हुए हैं, देखिए यहां पे हम रिंच के द्वारा भी इसको खोल सकते हैं वैसे, और ये यहां पर तो हम प्लायर के द्वारा ही खोल देते हैं। तो ये तीन नट इसमें लगे हुए हैं, तीनों को हम इसको ढीला कर लेते हैं, तीनों को खोल लेते हैं। तीनों में देखिए वार्सल भी लगा हुआ है, वार्सल खोना नहीं चाहिए, वार्सल को इसी प्रकार से लगा देना है। और इसके अंदर शायद हीटिंग एलिमेंट लगा भी नहीं होगा, इसको हमने निकाल दिया था पहले, निकाला इसलिए गया था ताकि वही दिखा करके लेना था, तो या तो 750 वाट बता करके लेते या तो फिर इसी प्रकार से। ये जो हीटिंग एलिमेंट ऑटोमेटिक आते हैं ये दो तीन साइज के आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो इसको देखते हैं। इसमें देखिए इस प्रकार से है और इसमें हीटिंग एलिमेंट नहीं है, ये देख रहे हैं कागज़ इसका यहाँ पर कुछ चिपका हुआ सा दिख रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, इसको जो इसमें से पहले से है ये इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम दूसरा लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ज़्यादा पूरा हटाने की कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे ये हमारा दूसरा हीटिंग एलिमेंट है, इसको हम निकालते हैं देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखिए
इसमें ये कागज़ वाला पॉइंट यहाँ पर इसमें लगा हुआ है और ये दो पॉइंट है जिसमें हमारा न्यूट्रल और फेस की सप्लाई पहुँचेगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इसे ऊपर कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। इन्हीं दोनों को हमको लगाना है और लगाना कैसे है, ये हमारा देखिए सबसे नीचे का पॉइंट है फ्रेस के और ये देखिए सबसे पहले नीचे का पॉइंट है, इसको हमें यहाँ पे सेट करना है। एक स्क्रूप यहाँ है, दो यहाँ है, इसमें कटा हुआ बना होता है, एक यहाँ, दो यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये बीच में ऐसे लग जाएगा, यानी बीच में लगा देना है। और ये जो दोनों हैं अगल बगल में देखिए इस प्रकार से इसमें जा करके ऐसे सेट बैठ जाएंगे, देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से इसमें लगा करके हमको इसको बैठा देना है। ये हमारा हो गया सेटिंग। अच्छा, इसके बाद ये जो दोनों पॉइंट हैं न्यूट्रल और फेस इसमें पहुँचेगा तो ये चलेगा, हमारा प्रेस मतलब गर्म होगा। यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं, यहीं पर निकाल करके देखिए इधर से यहीं से निकालते हैं। और ये देखिए पॉइंटर, देखिए ये वाले में से तार जो है ना, देखिए ये टूट चुका है, देख रहे हैं ये तार टूट चुका है, तो इसको हम क्या करते हैं, चलिए इसमें से खोल करके इसको निकाल लेते हैं बाहर यहीं से, और ताकि हम इसमें दूसरा वाला अपना आसानी से टाइट भी कर सकें। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, हटा दिया हमने एक, देखिए इसका स्क्रूप यहाँ पर है, नट हमारा, और जो दूसरा वाला है इसमें हम किसी में लगा दें इसमें, और हम वैसे लगाएंगे इसके बीच वाले पॉइंट में, इनपुट करेंगे इसके बीच वाले में यहाँ पर, इसमें स्क्रू चिपका हुआ है ना, ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसमें थोड़ा सा वो चुंबक का असर है, तो यहाँ पर हम इसको खोल देते हैं। इसको भी देखिए वीडियो को बिल्कुल लाइव बना रहे हैं, बिल्कुल कट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम स्पीड में यहाँ पे नहीं, नॉर्मली आराम से बिल्कुल प्रेस के साथ साथ चल रहे हैं और पूरा फाइनली कंप्लीट लाइव लगा करके दिखाएंगे, बिल्कुल कहीं भी कट नहीं करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये जो छोटा सा नट है इसको हम ढीला कर लेते हैं ताकि ऊपर से लगा करके हम टाइट कर सकें, और इसके अंदर ऐसे ये प्लास्टिक का पॉइंट होता है, ये दोनों निकाल लेते हैं, ये तिल्ली केवल लगी रहने देते हैं क्योंकि ये सीधा करेगा यहाँ पे। और यहाँ पर से हम ये दोनों पॉइंटर निकाल लेते हैं, देखिए जो हमारे सप्लाई वाला है, एक को हम इधर निकालिए, एक को हम इधर निकालिए, यहीं पर हम इसकी सप्लाई को देंगे, और देखिए ये वाला पॉइंट इसमें से छोड़ दिया बीच वाले पॉइंट में से। देखिए हीटिंग एलिमेंट लगा करके जब हम तीनों नट को टाइट कर लेंगे, अब मेन बात है इसके कनेक्शन की, कनेक्शन देखिए इसको हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले बताएं, देखिए इसकी ये तीन पत्तियां हैं, तीनों अलग हैं, यहाँ पर देखिए ये तीन पत्तियाँ हैं, तीनों अलग हैं, तो सबसे पहले एक सप्लाई हमारी इसमें दिया जाएगा, जैसे कि हम सबसे पहले अगर सप्लाई ही दे करके दिखाते हैं आपको, तो इससे ये पता आपको साथ में चलता जाएगा कि न्यूट्रल और फेस किस पे आएगा, तो कैसे काम करेगा। एक को तो हम यहाँ पर लगा देते हैं देखिए एक साइड में, और रेजिस्टेंस के साथ इसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, और ये नियोन जो हमारा बल्ब होता है इसके अंदर जो छोटा सा बल्ब है उसको भी लगा करके उसी के साथ, और जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, इसको हम ये बीच वाले में लगा देते हैं। इससे क्या होगा, अब हमारे बीच वाले में सप्लाई इन होगी, यानी न्यूट्रल और फेस हमारे बीच में और साइड में यहां पर मिल रहा है, एक किनारे का पॉइंट बस केवल खाली रहेगा। इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए इसको हम इस प्रकार से टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर लगा करके, अपना पेचकस लगा करके, तो यहां से देखिए हमने न्यूट्रल और फेस अब इसमें दे दिया। अब यहां से आपको देखने में ये आसानी होगी कि ये हमारा फेस है रेड कलर में, ब्लैक कलर में न्यूट्रल है, अब ये रेड वाला जो फेस है ये यहां से निकला और यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है ना, और इसी में हमको दे देना एक सप्लाई, यानी कि ये जो पॉइंटर वाला है, यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट का ये दोनों पॉइंट है, न्यूट्रल फेस पहुंचेगा तो गर्म होगा, तो एक में हम इसको लगा करके इसको जोड़ देते हैं, यानी इसमें एक में पहुंच जाए हमारा न्यूट्रल यानी फेस, या न्यूट्रल या फेस, तो ये हमारा रेड वाला फेस है, तो हम फेस को एक को पहुंचा देते हैं, यानी कि हीटिंग एलिमेंट तक फेस डायरेक्ट पहुंच चुका है। अब हम न्यूट्रल के साथ कलाकारी करेंगे, देखिए जो कुछ होता है न्यूट्रल के साथ या फेस के साथ किसी एक के साथ कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक सप्लाई को जोड़ दिए, ये सीधा पहुंच गया। अब देखिए जब यहां से पहुंच गया हीटिंग एलिमेंट में, अब दूसरा ये जो ब्लैक वाला, इसके द्वारा जो सप्लाई आ रही है देखिए यहीं तक आ रही है, इसके आगे नहीं कहीं जा रही है, तो इसके लिए हम देखिए इसका ये जो पत्ती है, देखिए ये पत्ती थोड़ी सी टूट चुकी थी, इसको हमने जोड़ दिया, फिर से जोड़ने का मतलब जुगाड़ से इसको लगाए हैं, ताकि बस सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे में आउट करेगी तो काम तो करेगा ना ये, तो इसको हम सप्लाई आउट करने के काबिल बना रहे हैं बस, तो इसको हम लगा देते हैं। देखिए इस प्रकार से एक साइड में लगा के पहले टाइट कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड में लगा करके टाइट करेंगे, और ये बीच वाले पॉइंट में देखिए यहां पे इधर जो आया है पत्ती, इसी में हम लगा के टाइट कर रहे हैं। यहां पर एक तरफ हम लगा देते हैं इसको, देखिए, और दूसरा अभी हमें लगाना है इसमें, ये दूसरा इसका नट है, यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं, ये दूसरा वाला जो हमारा है इसको लगा देते हैं, यानी कि बीच वाली सप्लाई देखिए अब आगे तक बढ़ चुकी है। देखिए यहां पर अब देखिए ये हमारे में एक में यहाँ पे सप्लाई दिया गया, ये दूसरे में सप्लाई दिया गया, अगर ये दोनों आपस में टच हो जाएं तो ये शार्ट कर जाएगा। देखिए क्योंकि एक में न्यूट्रल और एक में फेस है ना, अगर ये दोनों आपस में टच हो जाएं तो ये शार्ट कर जाएगा। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गैप है दोनों के बीच में ना, थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना, ये गैप थोड़ी सा होनी चाहिए। देखिए ये पतली पत्ती लगती है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मोटी पत्ती लगाया इसलिए गैप कम दिख रहा है, तो यहाँ पे गैप होना चाहिए, अगर ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे तो शार्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी अलग है, हो गया ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सप्लाई ये वाली जो आएगी
वो इस रास्ते से होकर के यहां तक आएगी। अब यहां तक जब आएगी तो देखिए नीचे एक और पत्ती है इसके, ये देखिए ये नीचे वाली पत्ती में इस टाइम दिख रहा आपको टच नहीं है, लेकिन ये घुमाने की वजह से देखिए थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे दिख रहा होगा कि अब टच हो रहा है। अच्छा, इसको उल्टा इधर घुमाने से देखिए एक साइड में नीचे हो रहा है, थोड़ा सा और आगे घुमाए देखिए ऐसे छोड़ दिया, फिर और आगे घुमाएंगे देखिए ऐसे नीचे हो रहा है, फिर धीरे से घुमाने छोड़ दे रहा है। और अगर ये टच नहीं हो रहा है तो ये जो नट वाला पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेंगे, और यानी कि अगर हमें लग रहा है ये टच नहीं हो रहा है तो अब देखिए ये नट थोड़ा सा और टाइट कर दिए, अब ये टच है देखिए यहाँ पर, घुमाने के बाद भी देखिए नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा टाइट हो गया, तो थोड़ा सा इसको हम ढीला कर लेते हैं। यानी घुमाने के बाद इसको छोड़ना भी चाहिए ना, कि जब ये घुमाएंगे जब ये छोड़ेगा तभी तो सप्लाई को कट करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये सप्लाई को टच भी होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा ढीला हो जाए तो थोड़ा सा टाइट कर लेना चाहिए। इसी तरह से इसको देख करके हमको इसको सेट करना पड़ेगा कि हाँ ये कितना पे टच हो रहा है, टच होगा तभी सप्लाई को आउट करेगा और तभी ये प्रेस जो हमारा है ये गर्म होगा, ये आयरन हमारा गर्म होगा। तो इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, इस प्रकार से हो गया हमारा टाइट। अब देखिए अब यहाँ से बीच से सप्लाई आई और ऊपर गई, और जब ये नीचे में टच हुआ तो सप्लाई निचले पॉइंट से आकर के यहाँ तक पहुँची, और इसी पॉइंट को हम यहाँ पर जोड़ेंगे इसमें, और इसी में अपना एलिमेंट वाला पॉइंट भी जोड़ेंगे ताकि यहाँ से सप्लाई आउट हो, और जब ये पत्ती एक से दूसरे में सप्लाई करे तब जाकर के आयरन के दूसरे वाले पॉइंट में पहुँचे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं नट को अपने, ये नट हम लगा लेते हैं देखिए यहाँ पर जो भी हमारे पास इसका नट है इसमें हम डाल लेते हैं, लगा लेते हैं आयरन के साथ, इस पत्ती को दोनों को एक साथ हम लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आयरन और पत्ती दोनों को एक साथ लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम देखिए इसको लगा के टाइट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरी सप्लाई है वो यहाँ से घूमने के बाद पहुँचेगी, पहली बात हो गया ना कि घूमने के बाद पहुँचेगी। अभी एक बात और है इसमें, इंटीग्रेटर, अब ये जो इंटीग्रेटर ये कब जलना चाहिए, जब ये प्रेस गर्म हो रहा होगा उसी टाइम ना। देखिए अगर इसको हम बीच वाले में जोड़ दें तो जब इसमें सप्लाई आएगी तो ये जलेगा, डायरेक्ट, लेकिन अगर इसको हम दूसरे वाले में जोड़ दें तो इससे क्या होगा कि जब इस पे सप्लाई आएगी दूसरे वाले पे तब ये जलेगा, यानी कि जब ये हीट होगा यानी दूसरे पे आएगी तो यानी एलिमेंट पे जाएगी, एलिमेंट पे जाएगी तो ये गर्म होगा तब जाकर के ये जलेगा। देखिए इसका एक स्क्रूप नहीं दिखाई दे रहा है, अभी हम इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पावर दे दिया, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, चलिए हम यहाँ पे सप्लाई को लगा करके दिखाते हैं। तो ये हमारा बोर्ड है और इसमें हम पावर दे देते हैं, देखिए पावर दे दिए, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, देखिए ऑन कर दिया हमने, इंटीग्रेटर हमारा जल रहा है, मतलब पावर आ रहा है और प्रेस हीट भी हो रहा है। देखिए अगर हम इसको घुमाएं और अगर सप्लाई को ये छोड़ेगा, अगर सप्लाई को छोड़ा तो देखिए इंटीग्रेटर बंद हो गया, सप्लाई चालू हुआ मतलब इंटीग्रेटर चालू हो गया, मतलब हीटिंग एलिमेंट चल रहा है इस समय। अगर ये गर्म हो रहा है तो मतलब एलिमेंट चल रहा है। अभी हम इसको थोड़ी देर में आपको हटा करके दिखाते हैं, देखिए हमने कागज पे रखा हुआ है ना, थोड़ी देर आपको दिखाते हैं, एक मिनट लगेगा लगभग इसको गर्म करके कि ये बढ़िया तरीके से गर्म हो जाएगा और जितना हम प्रेस है शायद निशान भी बन जाएगा देखने के लिए, बाकी ये हीट है ये महसूस कर सकते हैं हम ना, दिखा कैसे सकते हैं कि ये कितना गर्म हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर हीटिंग एलिमेंट जो होता है उसमें न्यूट्रल और फेस अगर दोनों पहुंच रहा है तो एलिमेंट काम करेगा, और नहीं पहुंच रहा है तो एलिमेंट काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हीटिंग, जो हमारा आयरन होता है, जो हमारा प्रेस होता है, वो कार्य करता है। तो देखिए ये गर्म हो चुका होगा थोड़ी बहुत, इसको हम हटा देते हैं, सप्लाई को निकाल देते हैं और दिखाते हैं देखिए गर्म का असर यहां पे, देखिए ये देखिए प्लेन तो हो गया लेकिन आप इसको देख नहीं पाएंगे ना कि ये मतलब महसूस नहीं कर सकते, ये बढ़िया तरीके से हमारा हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। देखिए इसका कलर, देखिए कलर में भी थोड़ा सा है कुछ चेंजिंग, तो ये बढ़िया तरीके से हमारा प्रेस जो है वो गर्म हो रहा है। अगर अब ये जो कवर है बस बॉडी फिट करने की बात है तो बॉडी तो आसानी से जैसे हमने इसको ओपन किया था उसी तरह से लगा करके हम इसको सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमारे घर में कोई प्रेस या आयरन बिगड़ा है तो बनवाने की बजाय हम खुद से उसको सेट कर सकते हैं, खुद से रिपेयर कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए देखिए ये जो तार वाला पॉइंट है इसको तो हमें खोलना ही पड़ेगा ना, तभी तो ये वाला जाएगा इसमें पत्ती में, तो तार और इंटीग्रेटर इतना दूर का खोलना पड़ेगा, ये सारे सेटिंग हमारी ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रेस को बना लेते हैं। किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है, कुछ बताना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो कमेंट करिए, किसी भी प्रकार का सवाल सुझाव हो तो कमेंट करिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।